for being here. Myself, Bhim Baspor, president of Safai Karmi Jati Student Union. Along with me, on my right side, Deepak Baspor, general secretary of Bodoland. First of all, we condemn the report submitted by all the DC chairman executive officer that there is no manual scavenger in Assam. The report is baseless. Without any survey, Assam government has submitted a report that there is no mineral scavenger in Assam. So, first of all, we condemn this act. We are also one stakeholder of this survey. Without our consult, the DC and executive officer and the chairman of all the board of Assam have submitted that there is no mineral scavenger. अगर मैनुअल स्केवेंजर आसाम में नहीं है, अगर यही बात बोलना था तो पहले हमारा जैसे संगठन, मैं पिछले 2 सालों से ऑल आसाम में जा रहा हूँ और आसाम में हजारों हजारों मैनुअल स्केवेंजर हैं, तो पहले हम लोगों से राय लेना जरूरी था। ये राय नहीं लेने की वजह से जो गलत रिपोर्ट कुछ दिन पहले मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस यानी पीसी सरकार का जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक ऑल आसाम के हर डीसी से एक रिपोर्ट पूछा था कि मैनुअल स्केवेंजर आपके डिस्ट्रिक्ट में है कि नहीं, लेकिन जितने भी डीसी है वो और उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन से पूछा और उन्होंने ये रिपोर्ट दिया कि उनके उनके डिस्ट्रिक्ट में मैनुअल स्केवेंजर नहीं है। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि जो रिपोर्ट गया है वो गलत है। आज भी मैनुअल स्केवेंजर आसाम में है और मैनुअल स्केवेंजर जरूरी है इसलिए क्योंकि अगर इनका डाटा अगर सरकार के पास सही से नहीं पहुंचेगा तो आने वाला जो पॉलिसी है हमारे लिए रिहेबिलिटेशन अमाउंट जो मिलना था, इसके अलावा जो पैकेजेस है, फाइनेंशियल असिस्टेंट है और जैसे कि सेतु स्लम बिल्डिंग प्रोजेक्ट होता है, वो सब बंद हो जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमने आसाम के सीएम के नाम पे लेटर भी लिखा है और साथ में हमने पीयूष हाजिरिका मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस उनको भी ये 2 लेटर आज के डेट में लिखा है कि आप रिसर्वे कराइए। जो सर्वे आपको मिला है अभी आसाम सरकार के पास जो आया है वो गलत है, बेसलेस है। और मैं यहाँ पे मैनुअल स्केवेंजर एक आदमी को लाया हूँ एज ए विटनेस, वो बताएंगे। और ये गलत रिपोर्ट दिया गया है, ये यहाँ स्केवेंजर करने वाले नहीं हैं, यहाँ स्वीपर नहीं है, ये 200 से भी ज़्यादा है यहाँ हाथ से करने वाले। और ऐसे बहुत सारे विटनेस हम लोग आसाम के हर डिस्ट्रिक्ट से अब दे देंगे। मेरे साथ बोडोलैंड के जनरल सेक्रेटरी दीपक बासपुर है। पहला बात तो ये आसाम में एनजीओ और कॉन्ट्रेक्चुअल में जो काम हो रहा है ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एनजीओ काम ले रहा है और कॉन्ट्रेक्चुअल में हो रहा है तो जो काम पहले से कर रहे हैं उनका एटलीस्ट फिक्स तो होना चाहिए। नया सर्कुलर निकलने से पहले जो पहले से कर रहे हैं उनका एटलीस्ट फिक्स तो करना चाहिए, वो फिक्स नहीं हो रहा है। और कॉन्ट्रेक्चुअल और एनजीओ में वो लोग काम करा रहे हैं, वो लोग जितना अमाउंट में वो लोग चाहते हैं वो अपना करा रहे हैं। अब आप करें तो करें, नहीं तो वो नहीं करा रहे, दूसरे से करा रहे हैं, छोड़ दीजिए आप। ऐसा तो होना नहीं चाहिए ये आसाम में। और दूसरी बात है कि आसाम में ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैनुअल स्केवेंजर नील दिखाया जा सके। सफाई कर्मी में अगर मैनुअल स्केवेंजर अगर नील दिखाया गया तो वो संसाधन ही नहीं मिला है कि वो जो अपना वो काम करेंगे मैनुअल स्केवेंजर का, वो संसाधन ही नहीं मिला गया, इसीलिए पाया ही नहीं है उन लोगों ने जो, ताकि हाथ से ना करें, नहीं मिला है तभी तो वो हाथ से कर रहे हैं। और ये जो दिया गया है रिपोर्ट ये बिल्कुल ही अमान्य है और इसको माना नहीं जाएगा, ताकि हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको री सर्वे कराया जाए ताकि पूरी तरह से ये एक क्या हो।